हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बालूमाथ। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम का ट्रिक देखे थे, इस वीडियो में हम लोग ऐड का ट्रिक देखेंगे। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का, तो बहुत सारे स्पेशल केस होते हैं जहां पर आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाल करके क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। आप बनाते हैं 8R1 का जब एलसीएम लेते हैं तो आ गया 8। ये 1 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 आएगा तो 8 और 8 बन जा 8 प्लस 8 बन जा कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 आएगा 1 टाइम्स, सो 1 5 जा 5, सो 8 और 5 13/8। जनरली आप इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस 5/8, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो ये 1 को सबसे पहले आप भूल जाइए, इस 1 को आप भूल जाइए और सिंपल से इसको देखिए, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये 5 और 8 दोनों को आप ऐड कीजिए, 5 और 8 13 और नीचे क्या है 8, ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। थैंक यू।